दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र, आप सभी का स्वागत है हमारे कभी टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज आप सभी के बीच एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड आ गया है। ठीक है दोस्तों, उसका नंबर कैसे निकालना है इसी के बारे में आज पूरा डिटेल के साथ हम बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों को भी पता चले कि वन नेशन वन राशन कार्ड कैसे निकालना है, इसके लाभ ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार से हैं या फिर कोई अदर से राज्य से हैं, कहीं भी आप वन नेशन वन राशन कार्ड से आप निकाल सकते हैं, अपना राशन का लाभ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, किसी ब्राउजर को यूज करना। ब्राउजर में आने के बाद दोस्तों आपको सर्च के बारे में सर्च करना है ई पॉस। ठीक है दोस्तों, ई पॉस सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ तरह इस तरह इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आरसी डिटेल पे क्लिक करना है। मैं आरसी डिटेल पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर डालें। मैं अपना राशन कार्ड का नंबर डालता हूँ। मैं दोस्तों डाल चुका हूँ अपना राशन कार्ड का नंबर। ठीक है दोस्तों, डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सर्च करें इसको, सबमिट वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने पूरा राशन कार्ड का डिटेल आ जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें से आपको FPS ID को कहीं पे नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसे नोट कर लेता हूँ। नोट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, होम पेज पे आना है। होम पेज पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अलॉटमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, मैं अलॉटमेंट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों की रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे पूरा बिहार में जितना भी जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो आपके सामने शो कर जाएगा। शो करने के बाद दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको एमओ पे सेलेक्ट करना है। एमओ मतलब अपना ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, एमओ सेलेक्ट करना है। तो मैं दोस्तों अपना एमओ सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये प्रोसेसिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, FPS ID जो बोले थे हम आपको लिखने के लिए दोस्तों, उसका यूज यहाँ पर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों फाइंड पेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आपको जो बताए थे वो आईडी लिखने के, नोट करने के लिए, वो आप यहाँ लिख करके सर्च कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने वो हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने के बाद दोस्तों आप उस पर क्लिक कर दीजिए। सिंपल सा क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने प्रोसेस होगा। थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद दोस्तों प्रोसेस पूरा हो गया है। दोस्तों प्रोसेस पूरा होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओल्ड राशन कार्ड डिटेल और न्यू राशन कार्ड का डिटेल दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ अपना राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं चलिए देखता हूँ अपना राशन कार्ड का नंबर डिटेल चेक कर डाल करके। ठीक है दोस्तों, मैं अपना राशन कार्ड का नंबर डाल चुका हूँ। दोस्तों देखते हैं दोस्तों क्या है, आया है या नहीं आया है मेरा न्यू का राशन, ओल्ड राशन कार्ड का नंबर डाल चुका हूँ। न्यू राशन कार्ड का नंबर देखिए दोस्तों मेरे पास आ चुका है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, हमारे पास न्यू राशन कार्ड का नंबर ये रहा मेरा। इसी से हम चाहे पूरा भारत में कहीं भी अपना राशन उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप भी इसी तरह चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों आप इसे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।